वेलकम। चैप्टर 7, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स, स्टॉक एंड वॉटसन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद वन रिग्रेसर। चैप्टर 5 में हमने बात की हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्लोप कोएफिशिएंट। चैप्टर 6 में हमने बात की कि ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जी आपके पास अगर तो सिंगल कोएफिशिएंट टेस्ट करना है तो वो टी टेस्ट लग जाएगा, अगर जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो हमें एफ टेस्ट क्यों लगाना है। उसके साथ हम देखेंगे कि जी आपके पास जो है बेंचमार्क मॉडल वर्सेस अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस क्यों ज़रूरी होती हैं, आरयू में से कि बेस मॉडल को आप अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस के साथ क्यों कंपेयर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आर स्क्वेयर और एडजस्टेड आर स्क्वेयर सो फार सो गुड फोरकास्टिंग के लिए, इट्स गुड टू हैव हाई आर स्क्वेयर, बट अगर आप इकोनॉमिक बिहेवियर एक्सप्लेन करने के वेरिएबल्स का बिहेवियर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या आप किसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो आपको ट्रैप ऑफ मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वायर में फॉल नहीं करना, और रिग्रेशन रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हुए कौन सी चीज़ों को रिपोर्ट करना है। तो ये हमारी मेन आउटलाइन है इस चैप्टर की, इस लेक्चर की, और इसके बाद अगले वाली वीडियो में मैं जितना भी चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 7 तक की जो हमने बात की है उसको स्टेटा में अलग से, आर में अलग से, और जमोवी में आई एम नॉट श्योर लेकिन शायद उसमें अलग से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बी विद मी, और इफ़ यू थिंक ये यूज़फुल है तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज इट्स ओके, ऑल इज़ फाइन। सिंगल हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी हो तो हमें कोई इशू नहीं है, हम क्या करते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक, और सैंपल स्टैटिस्टिक में हमारे पास जो है ये आपके पास सैंपल ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई, और ये आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मींस थ्योरेटिकल वैल्यू मींस के बेटा 1 इक्वल टू 0 जो आप नल हाइपोथेसिस के तहत करते हैं, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर और सेंट्रल लिमिट थ्योरम के तहत हमें पता है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है और आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वैलिड हो जाती है, स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस वैलिड हो जाती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसी तरह से कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट कि इट फॉल्स इन दिस रीजन। इस पे भी मैं एक छोटी सी जो है वीडियो क्लिप बनाऊंगा कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंटरप्रेट कैसे करना है, और ये सिमुलेट करके 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में आपको कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि क्यों हम कहते हैं वी आर 95% कॉन्फिडेंट। तो बेटा 2 बेटा 3 को भी इंडिविजुअली अगर टेस्ट करना हो तो यू कैन यूज टी टेस्ट, कोई इशू नहीं है। अब झगड़ा क्या था, जरा हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं कि जी क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता, अगर तो सिंगल ये बात है तो हमारे पास टी टेस्ट लग जाएगा। अब उसके साथ हमने इंग्लिश लर्नर परसेंटेज वेरिएबल देखा था, उसके साथ आज हम एक और वेरिएबल देखेंगे। अब अगर जो एंग्री टैक्स पेयर है वो कहता है कि जी इन दोनों वेरिएबल्स का या इन तीनों वेरिएबल्स का बच्चों की परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं है, तो अब एक है कि हम एक को हर एक को इंडिविजुअली टेस्ट करें, एक है कि हम उसको वो कह रहे हैं इनका कलेक्टिवली भी कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। तो आपका टेस्ट स्कोर जो है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टीचर रेशियो पे, फाइन। जब हमने परसेंटेज इंग्लिश लर्नर इंक्लूड किया तो ये कोएफिशिएंट 100% मैग्नीट्यूड में कम हो गया, मोर देन 100%। अब इसको अगर आपने इंडिविजुअल टेस्टिंग करनी है तो -1.1 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ये गिवन है, -0.65 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर, तो ये बात जो है वो हम कर चुके हैं चैप्टर 6 में, तो ये टी टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और ये एस्टिमेशन कैसे करनी है हमने किसी जगह पे की डिस्कस भी किया हुआ है, बट हम फर्दर भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसको एम्पिरिकली सारा ये काम रिपीट करेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज फंक्शन ऑफ स्टूडेंट टीचर रेशियो, एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स। अब अगर ये कोएफिशिएंट लार्ज और नेगेटिव हो और ये लार्ज और पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि जी आप जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, ये क्लास साइज टीचर्स ज़्यादा हायर करते जाओ, क्लास साइज कम होता जाएगा, टेस्ट स्कोर बढ़ता जाएगा, बड़ा आसान सी बात है। अब जो टैक्स पेयर है ना, अब वो आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा है, वो एजुकेशनल मैनेजमेंट वालों से एक और बात करता है। वो कहते हैं जनाब ये जो स्टूडेंट टीचर रेशो है या एक्सपेंडिचर लर्नर है या और भी कोई भी वेरिएबल है, इन सब का कुछ लेना देना नहीं है, आप ऐसे इस पे मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें आप ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जी वो कहते हैं कि बोथ बेटा वन एंड बेटा टू इक्वल टू जीरो, जब एंड बोथ इक्वल टू जीरो यानी कि जब बेटा वन इक्वल टू बेटा टू इक्वल टू जीरो की बात आई है, तो अब अल्टरनेटिव है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो, मींस कि अगर ये रिजेक्ट हो गया तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर ये दोनों के दोनों जीरो ना हुए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्यों नहीं हम टी टेस्ट लगा लेते। ये क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि हम इसको भी क्यों नहीं टी टेस्ट से चेक कर लेते, तो उसकी क्या रीजन है। रीजन ये है कि जी आपके पास जब आप ये कहते हैं कि बेटा वन इक्वल टू बेटा टू इक्वल टू जीरो, तो जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो आप वो आप यूजुअली जो सेट करते हैं वो 5% सेट करते हैं, बट जब आप इस पे इंडिविजुअली टी लगा के आप आइदर दिस इज नॉट जीरो और दिस इज नॉट जीरो और बोथ आर नॉट जीरो आप करते हैं, तो बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% नहीं रहता, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9% के करीब चला जाता है, विच मीन्स कि अगर आपकी पी वैल्यू 0.06 हुई तो आप तो इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 9% हो गया। हम इस ज्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। तो आपके पास टी वन इक्वल टू दिस वन, टी टू इक्वल टू दिस वन, तो अगर ये ग्रेटर देन और लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू में 1.96 से ज्यादा हुआ, ये 1.96 से ज्यादा हुई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, या इन दोनों में से कोई एक हुआ, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा कि बेटा वन बेटा टू इक्वल टू जीरो है। बट आप इसका जो रिजेक्शन करेंगे वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे करेंगे, जबकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% नहीं रहा। इस बात को हम अगली स्लाइड्स में देख लेते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि प्रोबेबिलिटी टी वन इज ग्रेटर देन 1.96, टी टू इज ग्रेटर देन 1.96, और बोथ आर एंड और, यानी कि या तो दोनों में से एक या दोनों की दोनों। अगर अब आप इस पे बेसिक प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला रूल लगाएं, तो वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आप ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन, तो ये दोनों ग्रेटर देन जीरो, या प्रोबेबिलिटी ये ग्रेटर देन जीरो, ये प्रोबेबिलिटी लेस देन सॉरी 1.96, या ये 1.96 से ग्रेटर है और ये वाली नहीं है। तीन ऑप्शंस हैं, ये तीन ऑप्शंस आपने ऐड कर ली। अब आपके पास हम अस्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो ये प्रोबेबिलिटी इन दो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब ये मल्टीप्लाई हुए तो आपने ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपस में मल्टीप्लाई होते गए, तो जो एक्चुअल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया है वो आया है 9.75% या 0.975, यानी कि आपने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंसिडर किया वो 5% किया, लेकिन जो हमें मिलता है जब हम इन दोनों में से किसी एक को या दोनों की दोनों को ग्रेटर देन 1.96 के क्राइटेरिया पे कंपेयर करते हैं,
तो ये आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी थ्योरी में जाना है वो जाके कहीं और से देखते रहें, दूसरे लोग जिन्होंने इकोनॉमेट्रिक्स को, इकोनॉमिक्स को, सोशल साइंसेस में रिग्रेशन को समझना है, या उनके लिए इसकी जो है वो एक जस्ट अप्लाइड यूटिलिटी है, वो लोग इस बात को जस्ट जहन में रख लें कि अगर हर एक को अलग अलग हम टी टेस्ट लगाते हैं तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो नहीं रहता। ज़्यादा डिटेल किसी एडवांस लेवल कोर्स में हम बात करेंगे। तो इसलिए अब इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, हम उसकी डिस्कशन नहीं करने जा रहे, जो दूसरा सॉल्यूशन बहुत पॉपुलर है एफ स्टैटिस्टिक्स, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो क्या है, वो है कि जी आप टेस्ट करें स्टूडेंट टीचर रेशो एक्सपेंडिचर स्टूडेंट, तो ये बेसिकली आपको 5.43 मिल गई, इसकी पी वैल्यू 0.024, तो ये आपके पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि हम इन दोनों को ज़ीरो या इन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो कंसिडर नहीं कर सकते। कैसे करना है हम इसको देखते हैं। अब अगेन जैसे हमने चैप्टर 5 में बात की थी कि एक हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टिव स्टैंडर्ड एरर्स हैं, एक होमोस्कोडास्टिक स्टैंडर्ड एरर्स हैं। हमने हमेशा हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टिव स्टैंडर्ड एरर्स लेने हैं क्योंकि हेट्रोस्कोडास्टिसिटी की वजह से जो फर्क पड़ता है वो आपके स्टैंडर्ड एरर्स पे पड़ता है। तो अगर आप हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर्स यूज कर लेंगे तो होमोस्कोडास्टिसिटी हुई तो करेक्शन नहीं होगी, हेट्रोस्कोडास्टिसिटी हुई तो स्टैंडर्ड एरर्स में करेक्शन हो जाएगी। तो अब इसमें क्या है, एफ स्टैटिस्टिक्स में इसमें भी एक होमोस्कोडास्टिक ओनली एफ स्टैटिस्टिक्स है और एक हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड एफ स्टैटिस्टिक्स है। तो जब आप स्टेटा में या कहीं कमांड लगाते हैं या आर में वेरियंस कोवेरियंस वो जो है सैंडविच लाइब्रेरी यूज करते हुए करते हैं तो वहां पे करेक्टेड हेट्रोस्कोडास्टिक करेक्टेड एफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट होती है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जी कि पहले आप एक रिग्रेशन रन कर लें जिसमें सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। अब आपने कहा जी कि एक्सपेंडिचर और स्टूडेंट टीचर रेशियो का कोई रोल नहीं है, अगर इन दोनों का रोल नहीं है तो इसका मतलब है बीटा टू आप क्या कह रहे हैं, ये जीरो होना चाहिए, बीटा वन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जब आपने ये दो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी तो क्या होता है, आपके पास एक मॉडल आ जाता है विच इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो ये अंडर नल हाइपोथेसिस है, क्यों, क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं एच नॉट बीटा वन इक्वल टू बीटा टू इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास जब आपने जीरो कह दिया, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो ये हाइपोथेसिस, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड मॉडल एंड दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन। देखिए अब आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए, नहीं भी देखे तब भी आपको पता है कि यहां पे वेरिएबल्स इस मॉडल में ज्यादा हैं तो इसका सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिजुअल्स कम होगा एज कंपेयर टू सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रेजिजुअल्स फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। और इन अदर वर्ड्स इसका आर स्क्वेयर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों मॉडल्स के आर स्क्वेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर दोनों मॉडल्स के आर स्क्वेयर में बहुत थोड़ा फर्क हुआ तो इसका मतलब है ये चीज हम अप्लाई भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, और अगर दोनों मॉडल्स के आर स्क्वेयर में एक बड़ा फर्क हुआ तो इसका मतलब ये है कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन लगाना जो है ये हमें अलाउ नहीं है। तो दैट्स द नेम ऑफ द गेम कि आपने एफ आर स्क्वेयर अनरिस्ट्रिक्टेड, हमें पता है अनरिस्ट्रिक्टेड में नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हैं, आपने किसी भी कोएफिशिएंट को जीरो नहीं, उसकी कोएफिशिएंट को जीरो नहीं रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वेयर कम होगा। क्यू जो होता है ये होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और एन टोटल ऑब्जर्वेशन है और के जो आपके बड़े मॉडल में नंबर ऑफ रिग्रेसर्स हैं, जैसे इस केस में तीन रिग्रेसर्स हैं और एक इंटरसेप्ट है। तो अब आपके पास आर स्क्वेयर फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, आर स्क्वेयर फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, क्यू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और आपने इस एफ स्टैटिस्टिक्स को देखा
अगर ये एफ स्टेटिस्टिक्स की बेस पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। अगर ये फेल टू रिजेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे हम शायद ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, यानी कि वो जो टैक्स पेयर कह रहा है शायद उसकी बात को हमारे लिए रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा इस डेटा की बेस पे। तो देखिए आर स्क्वायर फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, आर स्क्वायर फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया, क्यू इक्वल टू टू है क्योंकि आपने दो कोएफिशिएंट्स को जीरो किया था, वैल्यू आती है एफ स्टेटिस्टिक्स की 8.01। और अगर आप रोबस्ट एफ स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट करते तो वो 5.43 एनईओ। इन दोनों केसेस में आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। बहुत सारी जगहों पे एफ स्टेटिस्टिक्स इस तरह से कैलकुलेट होती है, वो जस्ट थोड़ी सी जो है वो इसी आर स्क्वायर की थोड़ी सी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वो होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड, अब चेंज हो गया, माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाई एन माइनस के माइनस वन। अच्छा आप लोग बाजुकात भूल जाते हैं लोग, तो सिंपल आपको पता है एफ स्टेटिस्टिक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसने सब्ट्रैक्ट होना है। तो ये हम बात कर रहे हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो काई स्क्वायर होती है, अगर हेट्रोस्कडास्टिसिटी हो तो काई स्क्वायर नहीं रहती, ये इस वक्त की डिबेट नहीं है, ना हमारी ये इस वक्त की इंटरेस्ट है, इसमें हम नहीं जा रहे। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप उनको अलग अलग टी टेस्ट लगाएंगे तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो नहीं रहेगा, इसलिए हमने एफ स्टेटिस्टिक्स लगानी है। तो एफ स्टेटिस्टिक्स में भी दो किस्म की चीज़ें हैं, एक होमोस्कडास्टिक ओनली एफ है, एक हेट्रोस्कडास्टिक एफ है। तो हम जब स्टेटा या आर या कोई भी करते हैं तो वहाँ पे हेट्रोस्कडास्टिक एफ टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट की कमांड जब रन करते हैं तो स्टेटा उसको यही कर रहा होता है, और आर में जब आप वेरियंस को वेरियंस इक्वल टू वो जो है वो एच ए सी और वो करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ हो रही होती है। फाइन जी, टेस्टिंग सिंगल रिस्ट्रिक्शंस का तो कोई मसला नहीं है। अब बाजुकात आपकी रिस्ट्रिक्शंस की नेचर थोड़ी सी और हो जाती है, आप कहते हैं जी कि बेटा वन इक्वल टू बेटा टू। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो स्टेटा में डायरेक्ट आप कर लें, आर में आप डायरेक्ट कर लें, या आप मॉडल को थोड़ा सा रीमॉडिफाई कर लें। तो जब आपने कहा बेटा वन इक्वल टू बेटा टू है तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी रीअरेंज करें तो बेटा वन इक्वल टू बेटा टू आ गया, तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट से ये आपका एक नए वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट होंगे एंड यू कैन अप्लाई दिस, क्योंकि यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बेटा वन माइनस बेटा टू इक्वल टू जीरो। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं, हम इस मैथमेटिक्स में इस वक्त नहीं जा रहे। तो ये उसके बाद आपका जो कोएफिशिएंट आ जाएगा गैमा वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यू कैन वर्क ऑन इट एट योर ओन, मैं इस मैथमेटिक्स में इस वक्त एट द मोमेंट नहीं जा रहा, हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेटा में या आर में आप जस्ट ये कंडीशन लगाएंगे तो वही चीज़ आपकी अप्लाई हो जाएगी। ओके अब देखिए अगेन हमारा रिसर्च क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्लास साइज कम करने से टेस्ट स्कोर बढ़ जाता है, एक और हम लेंगे किसी और टाइम पे, शायद एम्पिरिकल एनालिसिस में क्या इनकम बढ़ने से सेविंग रेट बढ़ जाता है, तो उसमें भी फिर और वेरिएबल्स डालेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कंप्यूटर पे जो है ना सामने बैठने से पहले, अपने डेटा पे ब्लाइंडली चीज़ें रन करने से पहले आपको ऐसे बैठना है, सोचना है आपको कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पास और क्या पॉसिबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपका मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, क्लास साइज है,
बाकी वेरिएबल्स जो है वो हम क्लास साइज का करेक्ट इंपैक्ट मेजर करने के लिए मॉडल में इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी वेरिएबल हो सकता है ट्रूली एग्जॉजनस ना भी हों, बाकी वेरिएबल्स में शायद एक्स उनका यू के साथ कुछ कोरिलेशन भी हो, तो इसलिए ये वो आप चैप्टर्स की रीडिंग्स करेंगे, वहाँ से आपको आइडिया होगा। मैं इसको बहुत प्रोलॉन्ग होने से बचाने के लिए यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि पहले आपको एक थॉट प्रोसेस से गुजरना है बिफोर यू गो फॉर कि जी आप जो है वो इसको करें। फिर आपके जहनों में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, दूसरा नहीं ये भी तो शामिल हो सकता है, तीसरा नहीं ये वेरिएबल भी तो शामिल हो सकता है। तो फिर आप ये जो आप डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स को सोच रहे हैं अलॉन्ग विद मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, उसने हर मॉडल में रहना है। तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस हैं। तो एक बेंचमार्क स्पेसिफिकेशन हो गई जो ज़्यादातर लोगों ने अगर पहले से एग्जिस्ट करती है, अब आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो साथ में आपके पास न्यू नई नई स्पेसिफिकेशंस भी आप देंगे। तो एक हो गया बेंचमार्क या बेस मॉडल। अब आपने कुछ और वेरिएबल्स को सोचा, आपने कहा जी इन्होंने नॉन लीनियरिटी नहीं देखी, इन्होंने इस वेरिएबल को नहीं देखा, आपने उन वेरिएबल्स को उन उन स्पेसिफिकेशंस को भी मॉडल में इंक्लूड करके तो अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशंस बनाई। अगर आपकी अल्टरनेटिव स्पेसिफिकेशन थ्योरेटिकली जस्टिफाइड है, आपकी वो स्टेटिस्टिकली जस्टिफाइड है, वो उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बन रही है, तो आपके पास आप ये कहेंगे कि जी ये हमारा जो है वो मॉडल जो है बेस स्पेसिफिकेशन से बेहतर है। तो क्या जो है वो ये वो चीज़ें हैं। प्लीज़ फोकस ऑन दिस, यूज योर जजमेंट केयरफुली रादर देन फॉलोइंग मैकेनिकल रेसिपीज ब्लाइंडली। सिमिलरली डोंट फॉल इन ए ट्रैप ऑफ मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वायर। तो अक्सर आप एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी आर स्क्वायर बड़ा है इसलिए आर स्क्वायर बड़ा फोरकास्टिंग के लिए गुड है, अदरवाइज नहीं है। फिर कैसे होगा, क्या बात होगी, आज थोड़ी सी बात करेंगे, किसी और टाइम पे इस पे भी डिटेल में बात होगी। डाइग्रेशन, आज हम छोटी सी आर स्क्वायर पे बात कर रहे हैं। आर स्क्वायर और आर बार स्क्वायर, डाइग्रेशन का मतलब है मैं थोड़ी देर के लिए अपने मेन टॉपिक से हट रहा हूँ, फिर उस पर हम वो जो पांच मॉडल्स हमने बनाए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मैक्सिमाइजिंग आर स्क्वायर या आर बार स्क्वायर एक ही बात होती है। तो आपके पास सिंपल इसका मतलब होता है कि रिग्रेसर्स एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वाई। तो अगर तो फोरकास्टिंग है इट्स गुड आइडिया, अगर आपकी एक्सप्लेन करने की बात है तो हाई आर स्क्वायर का मतलब कतन ये नहीं है कि आपके पास जो है वो कोई ओमिटेड वेरिएबल बायस नहीं है। हाई आर स्क्वायर का कतन मतलब नहीं है कि आपके पास एस्टिमेटर्स जो है वो अनबायस्ड हैं, जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, देखिए कॉजल इफेक्ट क्या है, मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। हाई आर स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि जी आपके जितने वेरिएबल्स इंक्लूड किए हुए हैं वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, उसके लिए आपको एफ टेस्ट या इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स के लिए टी टेस्ट लगाना अपने तौर पे अलग से जरूरी है। लेट्स बैक टू आवर प्रॉब्लम, हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहे हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो, परसेंटेज इंग्लिश लर्नर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, स्कूल एक्सपेंडिचर पर पीपल, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, परसेंटेज एलिजिबल्स फॉर सब्सिडाइज्ड लंच। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपकी लर्निंग आउटसाइड स्कूल इफेक्ट होती है, तो वो पेरेंट्स जो सब्सिडाइज लंच लेते हैं उनका इनकम लेवल स्लाइटली लो है, तो शायद उनके बच्चों की अर्निंग अपॉर्चुनिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड क्लास कम हों एज कम्पेयर टू जो पेरेंट्स ज़रा वेल ऑफ हैं, ट्यूशन है या कोई और चीज़ें हैं। परसेंटेज ऑन पब्लिक इनकम असिस्टेंस, ये भी एक वेरिएबल है कि एक बंदा जो है वो पुअर है या कि वो वेल ऑफ है। तो बस आप अब आप देखिए, तो कोई बंदा कहेगा जी ये दोनों के दोनों शामिल करें, कोई कहेगा जी नहीं दिस इज़ अ गुड प्रॉक्सी, कोई कहेगा दिस इज़ अ गुड प्रॉक्सी। तो ये जो अब आपके पास डिबेट चल रही है कि विच वन, तो ये जो चीज़ होती है ये आपकी डिफरेंट मॉडल की स्पेसिफिकेशंस को लीड करती है। एवरेज डिस्ट्रिक्ट इनकम, अब हमने देखा कि टेस्ट स्कोर जो है उसका रिलेशनशिप विद इंग्लिश लर्नर परसेंटेज नेगेटिव, कि जितने इंग्लिश लर्नर परसेंटेज बढ़ते जाएंगे आपका टेस्ट स्कोर कम होता जाएगा, जितना आपकी पावर्टी या परसेंटेज सब्सिडाइज लंच बढ़ता जा रहा है या जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा है वहाँ पे टेस्ट स्कोर कम है, जितना आपके पास जो है इनकम असिस्टेंस ज़्यादा है
उतना टेस्ट स्कोर जो है वो कम है। तो यहाँ अब नॉन लीनियरिटी आ रही है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं कि जी रिग्रेशन रिजल्ट में क्या चीज़ें रिपोर्ट की जाएं। प्लीज़ बी विद मी, खास तौर पे वो जो पांच कॉलम्स हैं उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, प्लीज़ बी विद मी, आई एम गोइंग टू फिनिश इट वेरी सून। एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, स्टैंडर्ड एरर्स, मेजर ऑफ फिट, नंबर ऑफ, तो ये यूजुअली स्टैटिस्टिक्स है जो हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। लेट्स कम टू आवर जो है वो फाइनल मॉडल्स। आप एक मिनट के लिए देख लीजिए, चंद सेकंड्स के लिए, फिर हम बात करते हैं। अब आप देखिए तो इस मॉडल में सिर्फ आपने स्टूडेंट टीचर रेशियो इंक्लूड किया और कांस्टेंट इंक्लूड किया, तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन आ गया। तो ये वो चीज है जो हमने चैप्टर फोर में बात की। हमने कहा जी परसेंटेज इंग्लिश लर्नर जो है, चैप्टर सिक्स में हमने बड़ी डिटेल में बात की कि परसेंटेज इंग्लिश लर्नर का बहुत बड़ा रोल है, और आप देखिए तो ये कोएफिशिएंट मोर देन 100% कम हो गया। इंटरसेप्ट उसी तरह से, ये आपका स्टैंडर्ड एरर जो है 4 यूनिट्स कम हो जाता है और आर स्क्वायर इंप्रूव हो जाता है, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर। किसी ने कहा जी परसेंटेज इंग्लिश लर्नर परसेंट एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज लंच, क्योंकि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड गरीबों के लिए कम होती हैं एज कम्पेयर टू जो वेल ऑफ होते हैं। ये वेरिएबल इंक्लूड किया, इस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, और यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट डिक्रीज आई है, और ये सारे कोएफिशिएंट्स इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है, ये डबल एस्टेरिक लगा हुआ है। तो ये आर बार स्क्वायर में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। किसी ने कहा जी इसकी बजाय परसेंटेज दो हु आर एलिजिबल इनकम असिस्टेंस वो डालें, जैसे अभी मैंने बात की थी, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया और इसको इस मॉडल में इंक्लूड कर लिया। तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन आ गया पॉइंट दिस वन। तो अब इस पे नहीं जाना कि अच्छा ये कम आ गया ये ज्यादा आ गया इसलिए हम इस मॉडल को रख रहे हैं। मींस आपको साथ साथ इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन लेनी है, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन लेनी है। बट अब देखिए तो अगर अभी तक की जितनी बात हुई है उस सारी बात को देखें तो मॉडल थ्री और मॉडल फोर में क्लोज मैच पड़ गया है। तो अगर आप सिंपल स्टैंडर्ड एरर या मैकेनिकल पे देखेंगे तो मॉडल थ्री डोमिनेट्स, क्योंकि मॉडल थ्री की चीज़ें बेहतर हैं। तो ये अब आपके पास कौन से वाला है, ये टोटली आपकी जो है वो जो लोग इसको रिसर्च के तौर पे ले रहे होंगे उन्होंने देखना है। किसी ने कहा जी ये दोनों के दोनों शामिल कर लें मॉडल फाइव में। तो यहाँ पर हमने मॉडल फाइव में ये दोनों शामिल किए, लेकिन ये देखिए ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं रहा। तो इसका मतलब है इसने मॉडल में कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कम कर दी। तो इसके रिजल्ट एग्जैक्टली मॉडल थ्री की तरह के हैं। सो इसलिए आइदर वी हैव टू लिव विद मॉडल थ्री और वी विल प्रेफर मॉडल फोर। मॉडल फाइव में एक वेरिएबल रिडंडेंट है, फालतू है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मॉडल थ्री या मॉडल फोर में से आप जो है वो पिक कर लें। तो ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं बेस स्पेसिफिकेशन। फर्ज करें ये आपका बेंचमार्क मॉडल था, ठीक है, आपने इस बेंचमार्क मॉडल के अगेंस्ट जो है वो अल्टरनेटिव मॉडल्स स्पेसिफाई कर दिए, या आज हम कह रहे हैं कि जी हमने ये मॉडल पिक कर लिया। अब कोई बंदा आता है वो कहता है जी ये आपने जो किया इसमें आपने नॉन लीनियरिटीज नहीं देखी, आपने इसमें इंटरेक्शंस नहीं देखी, तो इन चीज़ों को देखेंगे तो ये मॉडल तो इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो हमारे इस बेंचमार्क के अगेंस्ट और मॉडल्स प्रपोज करेगा, लेकिन लेकिन प्लीज मेन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या है, ये वाला, ये जो है वो प्योरली यू से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिमेनिंग चीज़ें इसके बारे में चैप्टर 7 से रीड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, ठीक है। तो आपको आई होप कि आप अपने आप को सेफ रखने की आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, खुद भी लोगों को जो है खुद भी बचने की और एसिम्प्टोमेटिक लोगों से अपने आप को बचाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने आज तक जैसे ये पांच मॉडल्स बनाए हैं, ये सारे के सारे स्टेटा में कैसे ये फाइव कॉलम्स बन जाएंगे, आर में ये कैसे फाइव के फाइव कॉलम्स में रिजल्ट रिपोर्ट हो जाएगा। और तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।